जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी। और इस वीडियो में मैं आपको आगे की दिशा क्या हो यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, उसके लिए ये वीडियो है। देखिए, हर साल मैं वीडियो बनाता हूं और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, लेकिन आप लगभग 10-15 दिन तो समझ जाते हैं, उसके बाद फिर से उसी भेड़ चाल में लग जाते हो। यूट्यूब से मुझे क्या देखना है कि डेली करंट अफेयर्स देखना है, ठीक है, और डेली ही क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, और वो भी द हिंदू पढ़ना है। अब आपको समझ में आ गया होगा जिन लोगों ने दिया है कि द हिंदू पढ़ना समय की बर्बादी, न्यूज़पेपर पढ़ना समय की बर्बादी। हाँ, जागरूक रखना, यानी कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो वो वेस्टेज है आपके लिए। जागरूकता के लिए पढ़ना जरूरी है न्यूज़पेपर, आपको अपने चारों तरफ की घटनाएं पता होना चाहिए, लेकिन जो मूल जो है वो क्या है, वो है आपका जो दो तीन चीजें मैं बताता हूं आपको, एक योजना, कुरुक्षेत्र और विज्ञान प्रगति। योजना से जितने भी बहुत सारे जो कृषि से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो सब आपको योजना कुरुक्षेत्र से मिलेंगे, लगभग 8 के आसपास आए हुए प्रश्न हैं। और पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो भी योजना में बीच बीच में दिए हुए हैं, मान चलिए लगभग 10% 20-30% आपको मिल जाएंगे। तो एक तो आपको बेसिक बुक पढ़नी है, बेसिक बुक पढ़नी तो है। अब आपको ऐसा लगा कि ये सब कुछ बेसिक से आया है इस बार, लेकिन दोस्तों इसे आप ना तो बेसिक कह सकते हो ना फिर एकदम से करंट कह सकते हो। ये है क्या जो कि मैं अक्सर बताता रहा हूं आप लोगों को, एक साल के अंदर जो भी करंट घटनाएं हुई हैं, करंट इवेंट हुए हैं, जैसे मान के चलिए कि करंट इवेंट क्या हुआ, वैक्सीन क्या, कोरोना वायरस आया। कोरोना वायरस का मतलब यह है कि वैक्सीन पर चर्चा हुई, ठीक है। अब आपको कोरोना वायरस से प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है, जैसा कि लोग पढ़ा पढ़ा के आपको पकाते हैं क्योंकि उन्हें तो अपने वीडियो चलाने हैं करंट अफेयर्स वाले, ठीक है, डेली वो इस वजह से पढ़ाते हैं। करंट अफेयर्स से संबंधित कोरोना से नहीं आएगा, लेकिन हाँ वैक्सीन से जरूर आ जाएगा, वैक्सीन से। तो जो भी लेटेस्ट जो भी चीजें हैं वैक्सीन से रिलेटेड कहां मिलेंगे आपको, जो भी आई है करंट अफेयर्स के अंदर वो मिलेंगे आपको विज्ञान प्रगति के अंदर, यहां से आपका हो गया। अब आप क्या कहोगे, इसे साइंस से आया है, ये कहां से आया है ये प्रश्न, जितने भी आपके पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। अब आप लक्ष्मीकांत तो रट नहीं सकते हो, लक्ष्मीकांत आपको लगेगा कि यार ये तो बेसिक से आया तो पूरी लक्ष्मीकांत रट्टी होनी चाहिए हमको। दोस्तों लक्ष्मीकांत रटने की जरूरत नहीं है, आपको एक साल के इवेंट देखने पड़ेंगे, एक साल के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं उनके आधार पर क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये लक्ष्मीकांत है, अब ये लक्ष्मीकांत पूरी लक्ष्मीकांत है ये, ठीक है, ये बहुत सारे इसमें चैप्टर हैं, ठीक है, अब ये लक्ष्मीकांत है बुक है, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन आपको हिट कौन सा चैप्टर करना पड़ेगा। एक बार तो आपको पढ़नी है, एक दो बार तो पूरी पूरी लक्ष्मीकांत, लेकिन वो याद नहीं होगी, याद तो आप 10 बार भी पढ़ लोगे तब भी नहीं होगी। लेकिन आपको नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई घटना घटित हुई, मान लीजिए चुनाव से संबंधित अभी घटना घटित होंगे, ठीक है, चुनाव से संबंधित, तो चुनाव का एक चैप्टर निकालिए उसमें से, यहां से पढ़ लीजिए इसे और इसको नोट कर लीजिए करंट अफेयर्स में, ठीक है। इस प्रकार से चीजें करनी पड़ेंगी। आपने बहुत सारी मंथली मैगजीन आपको काम आएंगी, हर बार काम आती हैं, इस बार भी काम आई हैं, तो मंथली मैगजीन एक आप पढ़ सकते हो, या फिर कोई करंट अफेयर्स आपको मंथली कोई प्रोवाइड कर दे वो ठीक है, वरना आप डेली जो समय बर्बाद करते हो ना यूट्यूब पर या फिर अन्य कहीं कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर देखना और ये मतलब बात बात पे, मतलब दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो हर कुछ दिखाया जा रहा है आपको। अब क्या कर लिया है कुछ चैनलों ने, क्या कर लिया है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब आईएएस के लिए इंपोर्टेंट है, वो 5-5 मिनट बाद जो है 50-50 वीडियो डालते हैं, सोचिए आईएएस के लिए। अब सोचिए ऐसे भ्रम में आप लोग खो गए, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, सब कुछ गायब, मिला क्या, यही हर साल होता है। मैं फिर से बात करूंगा या फिर अन्य लोग भी करेंगे, फिर से आप 10 दिन देखोगे, फिर से यूट्यूब से पढ़ाई स्टार्ट करते रह जाओगे, ठीक है। तो यूट्यूब से करिए, एक लिमिट होता है किसी चीज का, बेसिक क्यों पढ़ रहे हो आप। अब कोई मांग के चलिए पढ़ा रहा है आपको लक्ष्मीकांत की, पढ़ा रहा है, अब फालतू का वेस्टेज होगा आपके लिए, टाइम की बर्बादी है वो लक्ष्मीकांत पढ़ना। वो लक्ष्मीकांत
उस दिन नहीं पढ़नी जिस दिन वो पढ़ा रहा है पढ़ाने वाला, या फिर वो टॉपिक जब नहीं पढ़ना, जब वो करंट में चल रहा है तब वो पढ़ोगे, तब चीजें याद रहेंगी, वरना अनंत है ये तो। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत है उनकी कथा भी अनंत है। तो यही रीजन है कि आप लोगों को जो चीज करनी चाहिए वो नहीं करके आप समय बर्बाद करते रहे दूसरी चीजों में, ठीक है। और डेफिनेटली कुछ लोग ट्रिक्स के बारे में बोल रहे हैं, ट्रिक्स लगभग मैंने जो भी बताई हैं वो 100% काम करी हैं, इससे लोगों का अच्छा भी हुआ है। दोस्तों जो भी जिन लोगों का भी पेपर अच्छा हुआ है वो कमेंट बॉक्स में दूसरे लोगों को भी बता दें, ठीक है। और ये भी ट्रिक्स लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ऐसे नहीं है कि हर कोई लगा के आ गया और ट्रिक्स के आधार पर बन गए आप IAS, ऐसे थोड़े ना होता है। इसके लिए भी दिमाग चाहिए, आपके पास दिमाग है आपका होना है तभी वो चीज अप्लाई होगी सही से। सबसे पहले पढ़ाई है उसके बाद ट्रिक्स है, लेकिन हाँ बिना ट्रिक्स के कुछ नहीं होगा। बिना ट्रिक्स के आप मुश्किल से 20% ही कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा करना आपको वहीं से था लेकिन अपनी बुद्धि यूज करके, ठीक है। तो ये आपको करना होगा, ये सिनेरियो जो मैं बता रहा हूं वो आपको जोड़ना होगा, बाकी सब चीजें छोड़नी होगी, खुद ही पढ़ना पड़ेगा। योजना, कुरुक्षेत्र, विज्ञान प्रगति, ये चीजें, या फिर करंट में कोई ऐसा व्यक्ति आपको हो जो इनसे करंट निकाल के आपको बताए दे, ठीक है। ये तो तमाम सारे वीडियो आते हैं, ये तो फर्जी वाले हैं सब, उन्हें क्या करना होना, कोई सिलेक्शन होना करवाना है, अपने वीडियो चलाने हैं तो वो तो महीनों भर चलाएंगे वीडियो, कुछ भी पढ़ाएंगे वो तो। वो तो आपको लक्ष्मीकांत भी पढ़ाएंगे, DD वसु भी पढ़ाएंगे, सारी चीजें पढ़ाएंगे वो तो। उन्हें तो भाई क्या लेना देना, आपके सिलेक्शन से कोई लेना देना है? आप तक डेली का डेली वीडियो पहुंचाना, मेरे चैनल पर क्यों नहीं आते हैं वीडियो? मेरे चैनल पर आएंगे भी ना तो सटीक चीजों पर आएंगे जहां से प्रश्न बनेंगे, वो क्या है, योजना है, कुरुक्षेत्र है, विज्ञान प्रगति है, और बेसिक के लिए क्या है, NCERT या फिर बुक। लेकिन वो कब कब पढ़नी है वो NCERT या फिर बुक, जिस दिन आपका करंट अफेयर चल रहा है उस दिन। अब कुछ मूर्ख जो है, मूर्ख प्राणी मान के चलिए, पूरा साल बर्बाद कर दिया आपका पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाते, अब वो कह रहे नहीं साहब सब बेसिक से आया है, सब बेसिक से आया है। अब मूर्खो बेसिक से आया है, बेसिक क्या होता है, बेसिक से तो सारी चीजें है ही है, ठीक है। आप किसी वायरस के बारे में पढ़ोगे तो वो तो बेसिक में मिल ही जाएगा, लेकिन आपको क्या सपने आ रहे हैं कि वायरस के बारे में आप पढ़ोगे, या फिर आपको इतनी हिम्मत है कि सारी NCERT रख सको? हाँ, लेकिन वायरस के बारे में जब पढ़ सकते हो आप, वैक्सीन के बारे में जब पढ़ सकते हो, जब करंट में कोई घटना घटित चल रही है, जब कोरोना चल रहा है, तो आपको वायरस के बारे में पता होना चाहिए, वैक्सीन के बारे में भी पता होना चाहिए। वो पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि इन मैगजीन्स के अंदर वो आया हुआ है, इस वजह से पता होना चाहिए आप लोगों को। इस प्रकार से चीजें दोस्तों करनी पड़ेंगी, फर्जीवाड़ा बंद करना पड़ेगा। और तैयार रहिए 9 अक्टूबर को, मुझे पता है बहुत सारे लोग, लगभग 50% लोगों का नहीं हो रहा है हिंदी मीडियम में, किन लोगों का, जिनका CZ क्वालिफाई नहीं हुआ है। दोस्तों CZ क्वालिफाई होकर बेचारे रो रहे हैं, मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि सर CZ नहीं हुआ हमारा, 50 प्लस हो रहा है जनरल स्टडीज के अंदर, 50 प्लस हो रहा है उनका लगभग 50, ठीक है 55 तक मेरे पास कॉल आए हैं, 55 तक हो रहे हैं जो लोग ट्रिक्स वगैरह सब यूज करके जो भी कर रहे हैं, इतने के आसपास हो रहे हैं उनके, लगभग 8 से 10 लोगों का मेरे पास पर्सनली आया है। अब सोचिए ऐसे लोगों का आया है जिनके क्या नहीं हो रहे हैं, CZT क्वालिफाई नहीं हो रहा है, सोचिए अब वो रो रहे हैं बैठ करके, क्या करें सर। अब करना क्या है आपको, यदि लगे तो मेरे साथ 9 अक्टूबर को आ जाना, वरना मैं तो जा रहा हूं, मैं तो अपनी तरफ से करूंगा ही करूंगा पूरा। आपको सिलेक्शन लेना है तो आइए मेरे साथ 9 अक्टूबर को, हैशटैग जो मैंने दिया हुआ था वो आप सभी को पता है, 9 अक्टूबर को आंदोलन है। तो इस प्रकार से अपनी स्टडी चेंज करनी पड़ेगी आप लोगों को। और जो फर्जी वाले में एक व्यक्ति ने एक डेटा दिखाया कि हिंदी मीडियम में रिजल्ट डाउन होने का एक कारण बताया, हालांकि क्या हो सकता है सच है गलत है वो एक अलग चीज है, लेकिन 2016 के बाद में एकदम से डाउन हो गया रिजल्ट हिंदी मीडियम में। 2015 तक सिलेक्शन हुए थे 2,500 के आसपास पीरी के अंदर, लेकिन 2016 के बाद में क्या हुआ, डाउन होता गया बिल्कुल, जैसा कि मैंने डेटा भी दिखाया था। अब उनका एक तर्क ये था, कहना था कि 2016 में क्या आया था, अक्टूबर के आसपास जियो आया था, ठीक है जियो आया था, जियो ने क्या कर दिया, यूट्यूब को बढ़ावा दे दिया, यूट्यूब पे क्या हो गए, सभी लोग क्या करने लग गए, पढ़ाने लग गए, तो वो पढ़ पढ़ के दिमाग बेकार हो गया हिंदी मीडियम वालों का। और हो सकता है ये रीजन भी हो सकता है ये रीजन भी हो कि जो मूल पढ़ाई है उसे छोड़ करके लगे हुए हैं कहां पर, यूट्यूब पर पढ़ाई करने,
आईएएस बनने के लिए चले हैं। अब यूट्यूब पे कोई आईएएस थोड़ी ना बनाएगा आपको, अब हमारा जैसा चैनल तो कोई है नहीं जो आपको वही चीजें दे, जो जानकारी केवल दे आपको। भाई उन्हें तो अपने वीडियो चलाने हैं ना, एक पूरी टीम कंपनी बना रखी है, तो कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां तो कुछ ना कुछ करती रहती हैं आपको एंगेज रखने के लिए। भाई आपको एंगेज रखना है ना उन्हें, तो वो तो करेंगी, कंपनियां हैं वो, तो वो कोई आपको आईएएस या फिर आपके कोई विदेशी थोड़ी ना है वो। क्या होता है कंपनियां जब खुल जाती है क्या होता है बताइए, पूंजीवाद में यही होता है। तो बस वो कंपनियां हैं, वो आपको डेली लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट करंट अफेयर्स, लेटेस्ट एक तरह से लक्ष्मीकांत सब कुछ पढ़ा देंगे वो, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है बेचारा को। अब वो ये कहेंगे कि देखो हमारे पढ़ाए से आया, अब तेरे पढ़ाए से आया वो तो ठीक है, लेकिन तेरा पढ़ाया तू तो पूरी बुक पढ़ा रहा ना, पूरी बुक क्या किसी को याद रहेगी। अब किसी भी बुक से मांग के छोड़ लिए, उठा लीजिए हिस्ट्री का प्रश्न, तो वो कहीं ना कहीं से तो आया ही होगा। अब वो बता दे वहां से कि मेरी बुक से आया, तेरी बुक से क्या हो रहा है, बच्चों को कितना याद हुआ, तूने कितना पढ़ाया, ये मायने रखता है ना। तो ये तो किसी ने किया ही नहीं, एक साल के करंट अफेयर्स को जोड़ करके चीजें बताई ही नहीं किसी को, आपको याद रही नहीं। जिनको थोड़ा बहुत किया वो क्या थी, मेरी ट्रिक्स बस दिमाग में रही थी लोगों की, कि हाँ आप जब परीक्षा हॉल में बैठे होंगे तो केवल मैं याद आ रहा हूंगा, मेरी सारी एनर्जी कल जो है कम हो गई थी, परसों आप कहीं ना कहीं सोच रहे थे मुझे, क्योंकि मेरी ही चीजें काम आई आपको, मेरी ट्रिक्स काम आई अंत में, और मेरा पढ़ाया हुआ यानी बताया हुआ ही काम आएगा आपको, और बाकी सब फेक है ये मान के चलिए, कुछ काम नहीं आएगा। सारे कोचिंग संस्थान यूट्यूब सब एक तरह ढोंग लगे होंगे आप लोगों को, ढोंग बिल्कुल पूरी तरह से। सारी टेस्ट सीरीज जितनी भी टेस्ट सीरीज लगा ली हमने, क्या उखाड़ लिया टेस्ट सीरीज लगा के, मैं हमेशा बताता हूँ कुछ नहीं होता इन चीजों से, होता है तो बस आपको रेगुलर पढ़ने से, योजना कुरुक्षेत्र विज्ञान प्रगति और PIB, और वो भी डेली रेगुलर विजिट करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, इस प्रकार की चीजें करनी पड़ेंगी। यदि आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं एक कोर्स मेरा चल रहा है और एक बड़े स्तर पर मैं एक कोर्स चलवा सकता हूं आप लोगों के लिए, लेकिन उसकी फीस जो है ज्यादा हो सकती है, इस वजह से मैं हाथ नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। मैं सोच रहा हूं आप ही इस चीजों को कर लें, मैं हाथ नहीं लगा रहा हूं क्योंकि उसकी फीस ज्यादा हो सकती है इस वजह से, ठीक है। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं हम। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।